मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाया है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए? हर बात में आजम खान, अरे क्या अमित शाह साहब बगैर मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती क्या आपको? आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता मुसलमान के नाम से? आप तो भारत के होम मिनिस्टर हैं ना, कि जैम में लगा दिया, आजम को ला लिया, मुख्तार को ला लिया। जिना के बारे में हमको क्या बोलना है, हमको ताल्लुक ही नहीं, मगर हमारे से ज्यादा ये लोग बोलते जिना, हम नहीं बोलते। मुसलमान जिना नहीं बोलता कभी, मगर ये लोग बोलते, जिसमें सब शामिल है। आप बताइए कि देश के होम मिनिस्टर हैं और नाम ले रहे हैं किसका? हैदराबाद को भी आए थे, हैदराबाद को भी आकर बहुत हमारे बारे में तस्करा किया। हर जगह हैदराबाद जब कभी आते अमित शाह या तेलंगाना आते, बोले ओवैसी ये, ओवैसी ये। हमने कहा हाँ, पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, सब मेरे मजनू है। इनको सुकून नहीं मिलता ना। नाम लेना चाहिए मुसलमान का, नाम लेना चाहिए। अरे शिवली के नाम लेना था आजमगढ़ में, हजरत शिवली का नाम लेना था आजमगढ़ में, क्यों नहीं लिए? उन्होंने भी तो बहुत काम किया ना, तारीख बनाई इस मुल्क की, मगर इनको शिवली याद नहीं आया, इनको आजम याद आ गए। इनको कैफ आजमी याद नहीं आया, इनको मुख्तार याद आ गया। अच्छा ये बताइए होम मिनिस्टर साहब, आपने ये बताया कि ये मुसलमान क्रिमिनल है, जो हम नहीं मानते आजम को क्रिमिनल। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया, कोर्ट जब फैसला देगा बोलेगा, मगर हमको ये बता दीजिए कि आपका होम मिनिस्टर, आप ही के मिनिस्ट्री में मिश्रा साहब मिनिस्टर हैं, उनका बेटा क्या जेल में फूल बेचने के लिए गया जेल में? उनका बेटा किस लिए जेल में है बताओ अमित शाह? उनका बेटा जेल में इसलिए है क्योंकि उसने चार किसानों को अपनी गाड़ी से रोन दिया, अपनी राइफल से गोली चलाकर उनका कत्ल किया, और आप उसको अपना मंत्री बनाकर अपने बगल में बिठाकर लखनऊ में कहते हैं कि मैंने टेलीस्कोप से दूर दूर तक देखा, कोई क्रिमिनल उत्तर प्रदेश नजर नहीं आया। तो किसी ने कहने वाले ने कहा अमित शाह बाजू खड़ा है, तुम सामने देख रहे हो बाजू खड़ा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं, जैम जैम, अरे खाने को खाना नहीं है, तुम कौन से जैम की बात कर रहे हो?